हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास 100 सीसी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली बाइक, यानी कि आज अपने पास 2024 की लेटेस्ट हीरो स्प्लेंडर प्लस एस्टेक 2.0 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है आज अपने पास ब्लैक कलर के अंदर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि नॉर्मल वाली स्प्लेंडर प्लस एस्टेक से यहाँ पर आपको क्या फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं और स्प्लेंडर प्लस एस्टेक 2.0 की आपको प्राइस मिलेगी, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या माइलेज मिलते हैं, ओवरऑल सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इस बाइक को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ से आप इसके हेड के डिज़ाइन को पूरा चेकआउट कर सकते हो और एक्सटेक 2.0 के अंदर में आपको टोटल 3 कलर्स मिलते हैं, उनमें से एक आपने सामने ये है ब्लैक कलर है जो कि आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है इसके ऊपर में। और जैसा कि ऑल ब्लैक आता था उसके ऊपर में ही आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह टाइप के लगेंगे दिखने में, लेकिन यहाँ पर आपको नए ग्राफिक्स भी यहाँ पर देखने को इसके ऊपर में मिल जाते हैं। सबसे पहले हेड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल न्यू LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि आपको रिफ्लेक्टर बेस देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हाई बीम डोबीम का सेटअप पूरा LED बेस के साथ में मिल जाता है। 2 DRL यहाँ पर आपको मिल जाती है, हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग देखने को मिलती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पूरा वाइजर मिलता है जो कि यहाँ पर आप देखो तो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रे कलर के इसी के ऊपर में स्टिकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर एक आपको रेड कलर की स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। जैसा कि अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस एस्टेक आती थी तो वहाँ पर आपको क्या था कि सिंगल यहाँ पर एक DRL मिलती थी, हेलोजन सेटअप मिलता था, लेकिन इस 2.0 के अंदर में आपको 2 यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाती है और यहाँ से आपको जो सिस्टम है कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर अगर आप चेक करो तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाते हैं हेलोजन बेस्ड वाले जो कि आपको नई डिज़ाइन के देखने को मिलेंगे ट्रांसपेरेंट में कुछ इस तरीके से। इनमें आपको हैजार्ड मिलता है जो कि 100 CC की किसी भी बाइक में आपको कंपनी ऑफर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर आपको हैजार्ड भी देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो LED हेडलाइट भी आपको 100 CC के अंदर में किसी बाइक में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड आपको करती है। नंबर प्लेट लगवाने का ऑप्शन आपको मेटल बॉडी के अंदर में यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का सिस्टम सेटअप देखने को मिल जाता है सस्पेंशन के अंदर में, और फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 18 इंचेस के कुछ ऐसे अलॉय व्हील आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर यहाँ पर साइड वाइज में आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ही साथ आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलता है 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि कुछ ऐसी प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है। ब्लैक कलर का ही आपको पूरा मडगार्ड इसका फ्रंट का देखने को मिल जाता है जो कि आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में मिलेगा। क्रैश गार्ड आपको क्रोम के साथ में देखने को मिल जाता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलती है इस बाइक के हिसाब से, जो कि काफ़ी सही है। अब मैं आपको इसका टैंक डिज़ाइन अगर चेक कराता हूँ, उससे पहले आप अगर देखो तो 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर आपको पूरी ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, 3D लोगो मिल जाएगा हीरो का, और यहाँ पर आपको ये ग्रे कलर देखने को मिलता है टैंक के ऊपर में। उसी के साथ ही साथ ये बाइक E20 कंपेटेबल रहने वाली है, 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस तरफ आपको थोड़ा बहुत क्रोम मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम FI की बैजिंग मिलती है, थोड़ा सा क्रोम मिल जाता है जिससे बाइक और ज़्यादा अच्छी लगे। इस तरफ आपको स्प्लेंडर प्लस एस्टेक 2.0 की बैजिंग मिलती है और ये लोगो आपको 3D में देखने को मिलता है। इस तरफ भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं ग्रे कलर के और रेड डिस्प्ले की स्ट्रिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 4-speed गियरबॉक्स सिस्टम मिलता है, इंजन के ऊपर हीरो की बैजिंग मिलती है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। एक चीज़ क्या है यहाँ पर है कि जो स्प्लेंडर प्लस आती है वहाँ पर आपको चेन सीट कवर मेटल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फायर बॉडी के अंदर मिलेगा पिलन प्रोटेक्शन। आप देख सकते हो रियर में आपको हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो कुछ ऐसा यहाँ पर ब्लैक सेटअप भी आपको देखने को मिलता है। साइड गेट वगैरह मिल जाएगा, लेडीज फुटरेस्ट आपको मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको IPS की बैजिंग और सीट आप चेक करो अगर तो यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह भी आपको मिल जाती है। कैरिज आपको मिलता है वही अपना क्रोम वाला, और इसकी टेल सेक्शन जो है ये आपको चेंज मिलती है नॉर्मल वाले एस्टेक से और स्प्लेंडर प्लस दोनों से आपको चेंज मिलती है। इसकी टेल लाइट आप देखो तो यहाँ पर कुछ ऐसा मडगार्ड मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर वगैरह सब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको देखने को मिलती है 130 mm की ड्रम ब्रेक 80/100 सेक्शन के टायर के साथ में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। 80/100 सेक्शन का टायर मिल जाता है 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में। इस तरफ भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपको सिंगल एक मफलर मिलता है क्रोम वाला, जो कि आपको इसके एग्जॉस्ट ऊपर में मिल जाएगा। उसी के साथ ही साथ सेम आपको पिलन फुटरेस्ट किक वगैरह सब आपको इस तरफ भी देखने को यहाँ पर आपको मिलता है। आप मीडिया कंसोल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बार हैंडल मिलती है, इसके अंदर में आपको नई स्विचेस की असेंबलिंग मिलती है, जैसा कि पासिंग, हाई बीम, लो बीम, हैजार्ड का स्विच आपको किसी और बाइक में नहीं मिलता है 100 CC में, यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर हॉर्न, टर्न इंडिकेटर और इस तरफ आपको शेल देखने को मिल जाता है, IPS का स्विच भी आपको मिल जाता है और पूरा डिजिटल मीडिया कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको कॉल SMS अलर्ट वाले सारे फीचर मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर एक USB पोर्ट मिल जाता है आपको मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। हीरो की बैजिंग और कुछ ऐसी आपको ओवरऑल लुक देखने को यहाँ से मिलने वाली है। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 97.2 CC का एक एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वेल
सिंगल सिलेंडर OFC इंजन जो कि आपको रिलीज करके देने वाला है 8.02 PS की मैक्सिमम पावर 8000 RPM पर, बाकी 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 6000 RPM पर। बाइक का पावर फिगर अपने सेगमेंट के अंदर में काफी अच्छा आपको मिल जाता है, बाकी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 65 km तक की माइलेज, बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है। आपको इसकी ओवरऑल लुक कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं जो कि इस बाइक की क्या आपको प्राइस देखने को मिलने वाली है, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस XTEC 2.0 की आपको प्राइस देखने को मिलती है 1,03,000 रुपीज़ की ऑन रोड कानपुर के अंदर में। तो इसको परचेज करना है तो आप विजिट कर सकते हैं श्री तिरुपति हीरो, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहां से आके हीरो की लाइन में किसी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इंफो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।